तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो एमिरेट्स D10 टूर्नामेंट है, इसका भाई जो आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट की बात करें तो 9th मैच जो कि खेला जाएगा एमिरेट्स ब्लू वर्सेज फुजाहिरा के बीच में। अब इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा। और वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हो ना तो इजिली आप इस मैच में काफी शानदार विनिंग करने वाले हो। तो वीडियो अगर देखने आ गए हो ना चैनल पे तो भाई एंड तक देखिएगा, अदरवाइज यहीं से आप वापस जा सकते हो। क्योंकि देखिए, जब मैं आपके लिए 3 घंटे की मेहनत कर रहा हूं ना, 2 घंटे स्टेट्स वगैरह निकालने में और 1 घंटे वीडियो को मतलब बनाने में, एडिट वेडिट करने में, तो आपको सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकालना होता है और वो भी अपने फायदे के लिए। क्योंकि अगर आप वीडियो देखोगे ना, मैं गारंटी से बोल सकता हूं जो बंदा वीडियो देखेगा, वीडियो के लॉजिक को समझेगा, वीडियो में प्लेयर्स के स्टैट्स को ध्यान से देखेगा, तो वो हार ही नहीं सकता मेरे भाई। तो अगर आप जीतने आए हो, आप इस मैच में सीरियसली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त आपके लिए, वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। साथ ही साथ एक लाइक अगर आप कर दोगे ना तो यार मजा आ जाएगा, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा ताकि मैं आगे और मेहनत करके ऐसी वीडियोज आपके लिए लेकर आता रहूं। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए भाई बात करते हैं मैच के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन दूंगा प्लेयर्स के बारे में, दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस क्या रही है, क्या यहां पर भाई वेन्यू रिकॉर्ड्स रहेगा, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी। चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन उन सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, आपको यहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा, इसी चैनल पर, सेम इसी चैनल पर भाई आपको फाइनल टीम मिलेगी। टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अभी के अभी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। अब चलिए भाई बात करते हैं यहां पर मैच के बारे में, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिलेगा, सर्च करके ज्वाइन मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन और वीडियो के फर्स्ट कमेंट वाले लिंक से ही आपको ज्वाइन करना है। अब चलिए भाई यहां पर बात करते हैं मैच की, तो मैच एमिरेट्स ब्लू और फुजाहिरा के बीच है, डेट एंड टाइमिंग आपके सामने। टाइमिंग की बात करें तो अब से लगभग लगभग 2 घंटे बाद मैच खेला जाना, 4:30 पर। वेन्यू की अगर बात करें तो मलिक क्रिकेट ग्राउंड 1 अजमान में मैच होने वाला है। अगर यहां पर भाई बात करें पिच रिपोर्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैलेंस पिच है, बैटिंग बॉलिंग दोनों को अच्छी खासी हेल्प है, यानी कि जो भी मतलब प्लेयर अच्छा खेलना चाहेगा, अच्छे एफर्ट डालेगा ना, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर निकाल कर ले जाएगा, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, ठीक है। अब अगर बात करें वेदर की, तो क्लियर स्काई है, बारिश के चांसेस ना के बराबर। एवरेज स्कोर की भी बात कर लेते हैं, 100 से 120 के बीच में आपको एवरेज स्कोर दिखेगा। अब जो ये चीज़ें हैं ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। वेन्यू के रिकॉर्ड्स की अगर बात करें जो इस सीजन में मैच हुए दोस्त, 8 मैच यहाँ पर खेले गए, 6 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है। तो अब आपके लिए टॉस का रोल पता लग गया कितना इंपॉर्टेंट है। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो, और अगर वो सेकंड बैटिंग कर रही है, तो भाई आप उनके फेवर में थोड़ी सी टीम बना सकते हो, यानी कि उनके डेथ ओवर के गेंदबाज प्लस उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को आप जरूर बैक कीजिएगा। ये चीज अगर आप करोगे ना तो इजीली मेरे भाई आप यहां पर अच्छी खासी विनिंग कर जाओगे, ठीक है। वहीं अगर बात करें टीम की परफॉर्मेंस की, तो एमिरेट्स ब्लू की बात करें 3 मैच खेले, तीनों आ रहे। फुजाहिरा की बात करें 2 मैच खेले, दोनों जीत कर आ रही है। तो यहां पर डिफरेंस भी दिन रात का दिखेगा आपको टीम्स में। तो अगर यहां पर भाई हो, मान लीजिए कि हो जाए फुजाहिरा की सेकेंड बैटिंग आ गई, तो यहां पर काफी हाई चांसेस है कि फुजाहिरा यहां पर इस मैच को वन साइडेड विन कर लेगी। उस कंडीशन में आप फुजाहिरा के फेवर में टीम बना सकते हो। अब चलिए भाई एमिरेट्स ब्लू की तरफ से बात करते हैं, क्या प्लेइंग 11 रहेगी, क्या प्लेयर्स के स्टैट्स रहेंगे। तो चलिए भाई यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई यहां पर भाई इनकी बैटिंग चेक करेंगे, उसके बाद बॉलिंग चेक करेंगे, सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए भाई प्लेयर्स के स्टैट्स देखने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई आपको दिखेगा आलीशान शराफू, लगातार अच्छा कर रहा है, बेहतरीन ऑलराउंडर है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओपनिंग कर रहा है, 39 रन, 11 रन, 1 विकेट, 13 रन, 0 विकेट, 68 रन, कुछ नहीं बॉलिंग इन्होंने करवाई नहीं मतलब, उसके बाद 83 रन, 1 विकेट, मस्ट ऑफ एक इवन CVC का एक तगड़ा आपके लिए दावेदार रहेगा। वहीं अगर भाई यहाँ पर बात करें अंश टंडन की, ठीक ठाक प्लेयर है, 10-34, 12-10, 13 की इनके रिसेंट स्कोर है, ट्राई करना चाहो कर सकते हैं। जोहार फारिद मोस्ट ऑफ द मैचेज में भाई या तो बॉलिंग करवा नहीं रहा या फिर भाई विकेट मिल नहीं रही, यहाँ पर आप
देखिए यहाँ पर 2 विकेट निकाले लास्ट के 5 मैच में, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बैटिंग से आप देखोगे तो मात्र 1 मैच में परफॉर्मेंस है, हालांकि जो बैटिंग ऑर्डर में इसकी पोजीशन है ना वन डाउन, वो इनको भाई काफ़ी ज़्यादा रिलायबल बनाते कि हम इन्हें बैक करें और इन्हें अपनी टीम में रखें। अगर ये वन डाउन ना खेलता ना भाई, मान लीजिए कि 6-7 नंबर पर खेलता, तो मैं 100% इसे अपनी टीम से ड्रॉप कर देता। बट अभी आपके लिए एक डिसेंट पिक हो जाएगा। फहद नवाज की बात करें, ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड करूंगा जीएल मिनी जीएल में, क्योंकि पहले क्या था कि ये ओपनिंग कर रहा था तो उस कंडीशन में मस्ट पिक था। अब यहाँ पर काफ़ी नीचे आ रहा है तो इजीली ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अश्वंत वलथापा की बात करें, अब यहाँ पर आपको बंदा दिखेगा 26-18-33 के स्कोर के साथ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैटिंग काफ़ी नीचे कर रहा है और हर मैच में अभी क्या हो रहा है, एमिरेट्स ब्लू सारे मैच आ रही है, तो भाई यहाँ पर सारे मैच आ रही है का मतलब है टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ, और इस कंडीशन भाई अश्वंत वलथापा की अच्छी खासी बैटिंग आई है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई अगले मैच में भी आपके लिए अश्वंत वलथापा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आप चाहो तो आप इन्हें बैक कर सकते हो, ठीक है। नीचे अगर आप चलोगे तो भाई आपको आदित्य सेठी दिखेंगे, 2 विकेट 0-0-1-3, चाहो तो बैक कर सकते हो, ठीक ठाक पोजिशन पर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर भाई 5-10 रन भी बना देंगे प्लस भाई 1-2 विकेट ले लेंगे तो आपके लिए एक अच्छी पिक हो जाएंगे, जरूर ट्राई कीजिएगा। उन्हें रहमान 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, जीएल मिनी जीएल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है इनकी टीम की तो आप बैक कर सकते हो। हार्दिक भाई 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट और यहाँ पर 2 मैच में विकेट लेस, अगर आप चाहो तो आप इन्हें बैक कर सकते हो, मेरे हिसाब से ठीक ठाक प्लेयर रहेंगे। वहीं अगर बात करें भाई हार्दिक देसाई की, 0 विकेट DNB 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, अगर आप चाहो तो इन्हें भी बैक कर सकते हो। वहीं अगर बात करें सबीर राव, ये मेरी टीम में मस्ट पिक रहेंगे, लेफ्ट आर्म पेसर है और भाई लेफ्ट आर्म पेसर बहुत ही रेयरली यहाँ पर आपको दिखेंगे ऐसे टूर्नामेंट में, और जो दिखता है भाई वो आपके लिए 100% वर्क कर सकता है, तो जरूर से बैक कीजिएगा। हरीश शेट्टी की बात करें, जीएल में निजीएल में आप ट्राई कर सकते हो। बात करें अगर फुजायरा की प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर भाई हमीद खान मेरे हिसाब से भाई जीएल में कैप्टनसी का सबसे सेफ ऑप्शन है, क्योंकि अभी तक इस टूर्नामेंट में चला नहीं है और इनकी टीम जिस लेवल की है ना, ये भाई किसी भी मैच में चल के आपको देने वाला है, या फिर भाई इसका बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे कर देंगे कि भाई इसकी बैटिंग भी नहीं आएगी। तो ये 2 काम में से 1 काम जरूर होगा, या तो आने वाले 2 मैचेज में मतलब बहुत तगड़ी नोक खेलेगा एक, या फिर भाई ये फिर फ्लॉप होके नीचे चला जाएगा बैटिंग ऑर्डर में। तो अगर आप चाहो तो आप इन्हें जीएल में जरूर कैप्टन करिए और ये आपको जीएल विन करवा सकता है। सलमान खान की बात करें, 16-32-1-60-31 मेरे हिसाब से मस्ट ऑफ पिक है, 100% आप इन्हें अपनी टीम में बैक कर सकते हो। वहीं अगर आप देखोगे रईस अहमद लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस, उसके अलावा 31-41 यानी कि लास्ट 5 मैच में 3 अच्छी इनिंग इन्होंने खेल रखे, मस्ट ऑफ पिक रहेगा। नासिर फरज की बात करें, जीएल में निजीएल में ट्राई कीजिएगा। उमेर अली हर मैच में बॉलिंग करता दिखेगा, हालांकि विकेट वगैरह नहीं मिली है ज्यादा, 5 मैच में मात्र 1 विकेट इन्हें मिली है, लेकिन फिर भी भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि टीम का कैप्टन भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, प्लस बॉलिंग भी करवा रहा है, तो मेरे हिसाब से मस्ट ऑफ पिक रहेगा। शहबाज अली की बात करें, यहां पर आप देख सकते हो 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट यहां पर बॉलिंग नहीं करवाई, 100% टीम में रहेगा। इवन सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो, जीशान अभी जीएल मिनी जीएल में ट्राई करेंगे। वहीं अगर बात करें हैदर अली की, 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 4 विकेट, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो मस्ट ऑफ पिक रहेगा। मोहम्मद फरजुद्दीन की बात करें, हालांकि इस सीजन इसका अच्छा यूज नहीं हो रहा, बट अगर टीम चाहे तो इनसे काफी अच्छा यूज निकाल सकते हैं, और अगर ये भाई उस टाइप से दिखेंगे कि इनके बॉलिंग के चांसेस आई दिखेंगे या फिर भाई इनके बैटिंग में ऊपर आने के चांसेस दिखेंगे तो ट्राई करेंगे, अदरवाइज ड्रॉप कर सकते हो। अलमास हफीज की बात करें, यहाँ पर 3 विकेट फिर 0 विकेट, यहाँ पर 36 रन 35 रन बॉलिंग इन्होंने यहाँ पे करवाई नहीं, लास्ट के 2 मैच में बैटिंग नहीं आई मतलब बॉलिंग नहीं आई, और अभी जो लेटेस्ट 2 मैच है उसमें भाई यहाँ पर बैटिंग नहीं आई। मोहम्मद रोहित खान की बात करें, मस्ट ऑफ पिक है, इवन सीवीसी का भी तगड़ा ऑप्शन रहेगा। मोहम्मद रोहित खान यहाँ पर आप देख सकते हो 2-2-2-4 यानी कि भाई 10 विकेट निकाल चुका है लास्ट के 5 मैचेज में, मेरे हिसाब से मस्ट ऑफ पिक रहेगा। इवन भाई सीवीसी भी आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। अब अगर बात करें भाई टीम की, तो टीम में आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरी फाइनल टीम में फाइनल अपडेट है वो आपको वहीं पे मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां से अभी अगर बात करोगे तो भाई मेरी टीम में ऐसे अश्वंत वलथापा रहेगा, यहां से अलीशान सराफू को टीम में रखेंगे, सलमान खान मेरी टीम में रहेगा। नीचे अगर आप चलोगे तो मैं अभी के लिए भाई हमीद खान को अपनी टीम में बैक कर रहा हूं एज ए सेफ पिक। वही अगर बात करें तो रईस अहमद को अगर आप चाहो तो बैक कर सकते हो, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक ठाक पिक रहेगा। हैदर अली मेरी टीम में 100% ट्राई हो सकता है,
अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है इनकी, ठीक है। वही अगर बात करें उमेर अली खान के, तो अभी मैं ड्रॉप करके चलूंगा यहाँ पर भाई। अगर बात करें तो शहबाज अली 100% टीम में रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर भाई एच अलमास को आप अपनी टीम में बैक कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जवार फारिद को भी आप यहाँ से ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर ही आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करके दे देगा। बात करें अगर बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको दिखेगा सबसे पहले मोहम्मद फराजुद्दीन। अगर भाई इनकी टीम की सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो आप इन्हें बैक कर सकते हो। अभी के लिए मैं ऐसे शब्बीर राव को अपनी टीम में रखूँगा, मोहम्मद रोहित खान को अपनी टीम में रखूँगा। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी के लिए अगर आप चाहो तो मोहम्मद फराजुद्दीन को आप अपनी टीम में रख सकते हो, या फिर भाई यहाँ से उनैब रहमान को, जो आपको अच्छा लगे आप उसको रखिएगा। अभी के लिए मैं यहाँ से मोहम्मद फराजुद्दीन को अपनी टीम में लेकर चल रहा हूँ। कैप्टनसी की बात करें, कैप्टनसी भाई यहाँ से अलीशान सराफू को देंगे, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करके दे रहे हैं। मोहम्मद रोहित खान को मैं अपनी टीम में एज ए वीसी लेकर जाऊंगा, या फिर भाई यहाँ से शहबाज अली को भी आप अपनी टीम में एज ए सीवीसी ट्राई कर सकते हो। हालांकि मैं अभी के लिए ट्राई नहीं कर रहा हूँ। मेरी अगर आप टीम देखोगे तो टीम का प्रिव्यू आपकी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट फाइनल है। कोई भी चेंजमेंट होता है, कुछ भी अपडेट होते हैं, तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर आपको दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। अभी के अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।